हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भूषण आपके यूट्यूब चैनल गुड वाइब्स में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी दिन में? फ्राइडे था, वीक में मुझे एक दिन छुट्टी रहती है और वो दिन रहता है फ्राइडे का। तो मैंने आज आपके लिए कुछ ना कुछ शूट करने का ज़रूर सोचा था। तो मैं हर फ्राइडे के दिन भगवान विष्णु के और बालाजी भगवान के मंदिर में जाता हूँ। तो ये देखो बड़ा ही सुंदर, आज मैं जब वहाँ दर्शन के लिए पहुँचा तो वहाँ बड़े ही एक भव्य दिव्य मंडप सजा हुआ था। भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा वहाँ चल रही थी, तो क्यों ना मैंने सोचा कि मेरे साथ साथ आप भी आज मंदिर के दर्शन कर लें। तो मंदिर के एंट्रेंस पे मेन दरवाजे पर बड़ा ही सुंदर फूलों का बंदरवार लगाया गया था, तैयारी चल रही थी। दूसरे द्वार पर भी फूलों से बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया था, अलग अलग फूलों से भगवान का मंदिर सजाया गया था, हर तरफ कलरिंग का काम किया गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद यहाँ जाकर एक मन को सुकून मिलता है। यस समय पुंडरीकाक्षम समाध्यानंदः सति पुंडरीकाक्ष पुनादु पुंडरीकाक्षः त्रिवाराचम प्रणयाम यजमान की स्वाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा। अपने हाथ जोड़ लीजिए, कैसे केशाय नमः इति हंतो मंदिर के अंदर जितने भी अलग अलग काम बने हैं उन पर बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे उन ब्राह्मणों ने यहाँ पर पूजा की थी। यह सब पूजा वहाँ मुंबई से ब्राह्मण आए थे, पुजारी लोग बहुत ही अच्छे थे, बड़ी ही सुंदर पूजा। ऊपर का व्यू मैं मंदिर के ऊपर का व्यू आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ अलग अलग भगवान विष्णु की पेंटिंग बनी हुई है, ये भी आप देख लो, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। ये अभी भगवान के अंदर के दर्शन करा रहा हूँ। ये बालाजी भगवान और उनकी दोनों पत्नियाँ लक्ष्मी माता और मीनाक्षी माता की मूर्तियाँ यहाँ है, साथ में ही राधा कृष्ण की भी मूर्ति यहाँ पर है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की भी यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। बड़ा ही सुंदर और भव्य दिव्य मंदिर है। यहाँ पर भी फूलों से डेकोरेशन किया गया था, बड़ा ही सुंदर दरबार हर तरफ लगाए गए थे। श्रीवेंकटेश भक्तवत्सल भागवत प्रिय नित्य निर्मल नील मेघ श्याम पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्ष नंदनंदन नवनीत चोर पशुपालक श्री पाप विमोचन पालका कष्ट निवारण दुष्ट संहारा दुरित निवारण। फिर वहाँ से हम पूजा वगैरह ख़त्म करके फिर मार्केट चले गए। अभी देवा भी आर्टिफिशियल फूलों से अलग अलग चीज़ों से काफ़ी जगमग उठे हैं। सब तरह अलग अलग राज्य से आई हुई बेचने के लिए लोग दिखते हैं, अलग अलग नई नई चीज़ें दिखते हैं, तो उसको देखकर भी बड़ा आनंद हो रहा है। तो हमने जन्माष्टमी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए हम फिर बाद में शॉपिंग के लिए चले गए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखो भगवान के अलग अलग कपड़े बाज़ारों में देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें आई है। तो अभी हम इधर शॉप में जा रहे हैं।
अब मैंने मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए 2 बांसुरियाँ ली, और उसके साथ साथ 2 पगड़ियाँ ली पीले रंग की, एक बड़े विष्णु भगवान की मूर्ति उसके लिए वो पीली, और मरुपंख वाली भी लड्डू गोपाल के लिए। ये हरा ड्रेस मैंने अपने विष्णु भगवान के लिए। अभी ये माला ली 2, एक पिंक कलर में उसमें डायमंड लगे, और एक सिंबल वाली जो ऑरेंज कलर की है, बड़ी खूबसूरत थी दोनों। और ये लड्डू गोपाल के लिए ये ड्रेस लिया रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में, बहुत ही सुंदर थी इसकी डिज़ाइन। ये झूला मैंने अपने हाथों से बनाया, मार्केट में देखा था मैंने, पर वो 250-300 रुपये तक था, और की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं, तो इस ये कम से कम खर्चे में मैंने घर पे ही बना लिया, और बहुत सुंदर बना था। इसके आगे बड़ा व्यू भी आपको दिखाऊंगा। ये ट्राईपॉड और ये माइक मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया, बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया, थैंक यू चेतन इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।